हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बोन CH COOH। सो हमें आईयूपीएसी नेम बताना है हमें कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है। की कॉन्सेप्ट इज वी शुड बी अवेयर ऑफ आईयूपीएसी रूल्स। आपको पता हो आईयूपीएसी की रूल्स हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। नहीं, उससे भी पहले हम करते हैं बेसिकली नंबरिंग। नंबरिंग पहले हम कंपाउंड लिख लेते हैं। कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH। नंबरिंग दी जाती है या तो डबल बॉन्ड को देख के या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को देख। और डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो दोनों में ही हमें राइट साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो सही रहेगा। 1 2 3 4 5। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप तो उसके कार्बन को काउंट किया जाता है इन टोटल नंबर ऑफ कार्बन और इन मेन चेन्स। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। तो 5 के लिए हमारे पास जो प्रिफिक्स है वो है पेंट। पेंट हो गया। अब बात आती है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन के साथ, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, तो पेंट टू इन। व्हाई इन? बिकॉज़ डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। वन भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो चलेगा, वन ओइक एसिड। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूल, अगर इन इस ई के बाद ओ आता है तो इस ई को हटा दिया जाता है। सो द फाइनल आईयूपीएसी नेम इज पेंट टू इन वन ओइक एसिड। दिस इज द फाइनल। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।